ओम शांति। सभी भाई बहनों को नववर्ष की शुभकामनाएं। 1 जनवरी 2022। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। ज्ञानी तू आत्मा बनना है। समय व्यर्थ नहीं गवाना है। प्रश्न, जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे सदा सर्विस में जुटे रहेंगे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी, बाप भी उनसे राजी होगा। वह कब वाहियात, खान पान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गवाएंगे। उनको कभी रोना नहीं आ सकता। उन्हें कभी यह अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया। हमेशा कहेंगे, बाबा ने दिया। गीत, दुखियों पर रहम करो। ओम शांति। यह तो बच्चे अभी जानते हैं कि बाबा ने रहम किया था। अब फिर कर रहे हैं। रहम करने वाला कौन है? फिर बेरहमी कौन? यह बरोबर अभी तुम ही जानते हो। बाप ने रहम किया भारत पर, अर्थात भारत को हीरे जैसा बनाया, श्रेष्ठाचारी दैवी स्वराज्य दिया था। तुम अब समझ रहे हो, लक्ष्मी नारायण को राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर परमपिता परमात्मा ने रचना रची है। देवताओं ने परमपिता परमात्मा से वर्षा लिया है। यह दुनिया नहीं जानती। भारतवासियों को स्वराज्य था। बाप ने रहम किया था। फिर रहम मांगते हैं। बेरहमी कौन मिला जिसने दुखी, कंगाल, भ्रष्टाचारी बनाया? उनकी एफजी वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं। इस रावण ने ही दुख दिया है। जो दुख देते हैं व तंग करते हैं, तो उनका वैर लेने के लिए, उनकी इंसल्ट करने के लिए एफजी बनाते हैं। बाप कहते हैं, यह सब पतित हैं। खुद को पतित भी मानते हैं, फिर ईश्वर भी मानते हैं। अखबार में डालते भी हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत परस्तान था। सबसे पहले थे देवी देवताएं, फिर इस्लामी, बौद्धी आदि हुए। बच्चों को हिसाब किताब बता दिया है। बीच में और भी धर्म आ जाते हैं। अब भारतवासी चित्रों को भी मानते हैं, इसलिए यह प्रश्नावली भी बनाई है। इस पर समझाना बहुत सहज है, परंतु जिनमें ज्ञान नहीं है उनको बुद्धू कहा जाता है। ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना है। भल सर्विस तो और भी बहुत है, परंतु वह हुई स्थूल सर्विस। कोई कमांडर, कोई जनरल, कोई प्यादे भी होते हैं। खान पान आदि बनाना, यह भी सेवा है। इनका भी फल अवश्य मिलता है। समझते हैं, ज्ञानी तो आत्माओं की हम सर्विस करते हैं। सेवा करने वाले दिल पर चढ़ते हैं, सब महिमा करते हैं। बाकी यह जरूर है, ज्ञानी तो आत्मा बाप को अति प्रिय लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे प्रिय नहीं है। सबकी सर्विस दिखाई पड़ती है। बाबा से कोई पूछे, मैं दिल पर छड़ा हुआ हूँ,
तो बाबा बता सकते हैं। बाकी जो सिर्फ सर्विस लेते रहते हैं उनको क्या मिलेगा? भल राजधानी में आएंगे परंतु पद तो इतना नहीं पाएंगे। तुम मित्र संबंधियों की सर्विस भी बहुत कर सकते हो। मतलब सर्विस का ख्याल रखना चाहिए, फालतू समय नहीं गवाना चाहिए। उन्हों को बाबा बुद्धू कहते हैं। बाबा कितनी अच्छी पॉइंट्स समझाते हैं। प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। जगदम्बा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी है लक्ष्मी, वह है सत्युकी। यह महिमा जगदम्बा की इस समय की है। बच्चों में हड्डी धारणा चाहिए, परिपक्व अवस्था चाहिए, तब दिल पर चढ़े। स्कूल में भी स्टूडेंट नंबर वार दिल पर चढ़ते हैं, वैरायटी होते हैं। यह पॉइंट समझाने की बहुत अच्छी है। जगदम्बा को धनलक्ष्मी नहीं कहेंगे, यह है जगदम्बा। इनको गॉड ने नॉलेज दी है, इसलिए सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज गाई हुई है। इस समय इस नाम रूप में गॉडेस ऑफ नॉलेज है, जिस नॉलेज से ही फिर पद पाया है। पास्ट जन्म में नॉलेज पाई है तब लक्ष्मी बनी। लक्ष्मी पास्ट जन्म में जगदम्बा थी, यह तो बिल्कुल क्लियर राज है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या बनेंगे, एक एक बात बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी कैसे 84 जन्म लेती है, कहाँ कहाँ लेती है, यह समझाने की बातें हैं। समझाने की खुशी रहती है, दान देने में खुशी होती है ना? बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं तो फिर औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। सिर्फ मम्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस पर लगना है तब बाबा राजी हो। ज्ञानवान सर्विस में झुटा रहेगा, सर्विस में नहीं झुटते तो उनको बुद्धू कहेंगे। वह समझते हम बाबा की दिल पर नहीं है, बहुत फालतू खानपान के ख्यालात चलते हैं। एम ऑब्जेक्ट बाहर में तो बहुत अच्छी लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है, यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। बाप से 21 जन्मों के लिए फिर से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। बोर्ड पर ऑक्यूपेशन पूरा लिखा हुआ है, शिव बाबा का भी चित्र है, लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है, एम ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, परंतु समझते कुछ नहीं है, फिर पूछते भी नहीं है। दुकान होती है तो उन पर बोर्ड लगा हुआ होता है, यह मिल्क की दुकान है, यह फलाने की है। सत्संग पर कभी बोर्ड नहीं लगता है, वह तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है तो 21 जन्मों के लिए दैवी पद प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है, परंतु फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। फिर अंदर आकर पूछते हैं, यहाँ का उद्देश्य क्या है, परंतु बोर्ड पढ़ते नहीं है जो एम ऑब्जेक्ट समझ सके। देखना चाहिए ना किसका दुकान है, परंतु कुछ भी नहीं जानते। आदि देव का नाम भी महावीर हनुमान रख दिया है, परंतु यह कौन है, कब होकर गए हैं, जानते नहीं। तुम बच्चों में
समझाने की हिम्मत चाहिए। समझाने वाले में ही अगर कोई विकार होगा तो किसको तीर नहीं लगेगा। अगर किसको तीर लगता भी है तो वह शिव बाबा समझाते हैं। जिनमें कोई अवगुण है तो उनकी समझानी किसको लगेगी नहीं। वह तो बाबा आकर किसको दृष्टि दे ज्ञान देते हैं। वह ऐसे न समझे मैंने इनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मेरे ज्ञान से इनमें परिवर्तन आया है। यह भी उल्टा अहंकार है। जिसमें रोने की आदत है वह किसको ज्ञान नहीं दे सकते। वह तो विधवा हो गए, वह कभी नहीं समझे कि मैं किसको ज्ञान दे सकती हूँ। वह तो बाप उनका कल्याण कर देते हैं। रोया तो उसकी दुर्गति है। तुम जानते हो हम हर्षित मुख देवी देवता बनने वाले हैं। अगर रोते हैं तो खोटे कर्म किए हुए हैं जो धोखा देते हैं। अच्छे अच्छे भी रोते हैं, फिर बाबा को किसको उठाना है तो खुद आकर दृष्टि दे देते हैं। रोते हैं तो विधवा है। यहाँ कहते हैं हम राम के बने हैं और फिर रोते हैं तो गोया उनका राम मर गया। गोया राम से बुद्धि योग टूटा हुआ है, बेमुख है। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। भल कोई प्रभावित होते हैं परंतु वह बाबा की ताकत से प्रभावित होते हैं। बाबा जो बोलेगा उसमें कोई गलती नहीं होगी क्योंकि बाप है ही सत्य। अगर कोई अक्षर निकल भी गया तो बिगड़ी को बनाने वाला बैठा है। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तो सर्विस पर उपस्थित है, उनको बच्चों की भी रखनी है। बीके कहलाते हैं तो मदद भी करते हैं। कोई कोई बीके और ही नुकसान करते हैं। बाबा भी जानते हैं तो जिज्ञासु भी जानते हैं। इनकी चलन ऐसी है, ठीक नहीं है, तब लिखते हैं बाबा इनको अपने पास मंगा लो। तुम बच्चों को तो ददीची ऋषि मुहाफिक हड्डियां देनी है। कोई कोई तो नवाब होकर चलते हैं। बाप समझाते हैं इस कमाई में भी ग्रहचारी बैठती हैं, दशाएं बदलती है, कब बृहस्पति की कब शुक्र की कब मंगल की कब राहु की, फिर एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट समझाते हैं। बोलो आप तो बड़े अच्छे बुद्धिवान पढ़े लिखे हो, बोर्ड पर तो पूरी एम ऑब्जेक्ट लिखी हुई है। एम ऑब्जेक्ट को जब समझे तब उस रुहाब से अंदर आए। लिखा हुआ है गॉड फादर से वर्षा मिलता है 21 जन्म और 2500 वर्षों के लिए। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी कोई तो अच्छी रीति समझेंगे क्योंकि नंबर वार ग्राहक है ना। यह सब शिव बाबा की दुकान है। सेठ एक है। यह दुकान तो हजारों लाखों की अंदाज में निकलेंगे। सन्यासियों के कितने दुकान हैं, विलायत में भी हैं। विलायत वाले समझते हैं कि भारत का प्राचीन योग और ज्ञान सन्यासी ही देते होंगे, परंतु नहीं, यह तो बाप ही देते हैं। मनुष्य कोई भी यह ज्ञान दे न सके, परंतु सिर्फ देने वाले बाप का नाम बदल बच्चे का नाम रख दिया है।
तुम सिद्ध कर बताएंगे कि हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर ही बैठ समझाते हैं। पोप को भी लिखते हैं, भारत की यात्रा पर आए परंतु इस यात्रा को पूरा समझा नहीं। अब कहो तो तुम्हारे पास किसको भेज दे? यहां तो वो लोग आ ना सके, पोजीशन बहुत रहता है, यहां तो गरीब आएंगे। कहते हैं क्राइस्ट बेगर है, इस समय हम भी बेगर हैं, बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं। भल किसके पास धन बहुत है परंतु बेगर है। कहते हैं क्राइस्ट गरीब है, जरूर गरीबी में ही आएंगे ज्ञान लेने। सलाम तो भरना है, कयामत का समय है, हिसाब किताब चुक तो होने वाला है। नंबर वन सलाम करने वाला भी यहाँ बैठा है, तो वह भी आएंगे। तुम्हारी यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो मुख्य चित्र है लक्ष्मी नारायण का, फर्स्ट सेकंड थर्ड उन्होंने चित्र चले आते हैं। हमारे में चित्र विनाश हो जाते हैं, एक्यूरेट चित्र थोड़े ही कोई है। दिलवाड़ा मंदिर में भी जगदम्बा और लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, परंतु किसको पता नहीं कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी सुराज राजेश्वरी बनती हैं। जरूर उसके बच्चे भी होंगे। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, ब्राह्मण ही पढ़कर देवी देवता बनते हैं। कितना क्लियर है? बाप कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता है, ऐसे नहीं उसका फल उनको मिलेगा। नहीं, बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। मैं सर्विस करता हूँ, वह तो जिसको दृष्टि देता हूँ उसकी तकदीर है। यह जगदम्बा कौन है, क्या प्रारब्ध पाई है, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, रोना भी अपशगुन है। यह बेहद बाप का घर है ना, जो खुद रोते हैं वह औरों को क्या सर्विस कर हंसाएंगे। यहाँ तो हंसना सीखना है, हंसना अर्थात मुस्कुराना, आवाज से भी हंसना नहीं है। कितनी शिक्षा दी जाती है, पॉइंट समझाई जाती है, दिन प्रतिदिन नॉलेज सहज होती जाती है, तुम्हारे में भी ताकत आती जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। दूसरा सदा हर्षित मुख रहना है, कभी भी रोना नहीं है। रोना मना विधवा बनना, इसलिए मुस्कुराते रहना है, जोर से भी हंसना नहीं है। वरदान, एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योग का अर्थ ही है एक को याद करना, एक बाप दूसरा ना कोई, तन मन धन सब तेरा, मेरा नहीं है। ऐसे ट्रस्टी बन डबल लाइट रहने वाले ही सहज योगी है। स
सहज योगी बनने की सहज विधि है एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। बाप ही संसार है तो याद सहज हो गई। आधा कल्प मेहनत की अभी बाप मेहनत से छुड़ाते हैं, लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है अपनी कमजोरी। स्लोगन: महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। विशेष अटेंशन: यह जनवरी मास हम सबके अति प्रिय पिताश्री ब्रह्मा बाबा की संपन्नता और संपूर्णता का विशेष मास है। पूरा ही मास हम सब ब्रह्मावत्स विशेष बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप के स्नेह में समाये हुए रहते हैं। बाबा कहते यह स्नेह में समाना ही समान बनना है। भक्तों ने इस स्नेह में समाने की स्थिति के लिए ही कहा है कि आत्मा परमात्मा में समा जाती है। तो आओ हम सभी पूरा ही मास उस लवलीन स्थिति में समाने के अनुभव करें। इसी लक्ष्य से रोज मुरली के नीचे लव में लीन होने की एक विशेष पॉइंट लिख रहे हैं। आप इसी अनुसार मुरली क्लास के बाद रोज 10 मिनट योगाभ्यास करना जी। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। प्यार के सागर बाप के साथ मिलन मनाते प्यार से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ। लगन में मगन हो जाओ। यह लवलीन स्थिति और सब बातों को सहज समाप्त कर देगी। ओम शांति।